हेलो स्टूडेंट, आई एम अमित। दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो ऑन योर चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.5। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर वन को मैंने स्किप कर दिया है बिकॉज उसमें फिलअप्स हैं, ठीक है, तो उसको मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। मेन क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर टू से देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए, इस टाइप की एक्चुअली एक्सरसाइज 8.5 में आपको क्या देखना है कि एक्सरसाइज 8.5 में आपको लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करनी है, लेकिन इसमें पहले आपको इक्वेशन बनानी है स्टेटमेंट्स को पढ़ के। ये जो स्टेटमेंट है यानी ये जो क्वेश्चन है, पहले आपको इनको पढ़ना है, कंक्लूजन निकालना है, देन आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको करना वही है जो हम करते आ रहे हैं, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना, लेकिन इस बार फॉर्मेट अलग है। इस बार क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल चेंज है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 66। किसी दो नंबर के बीच में डिफरेंस 66 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5 और उन दो नंबर का जो रेशियो है वो 2:5 है। व्हाट आर द नंबर्स? What are the numbers? Clear? चलिए तो कैसे स्टार्ट करेंगे या कैसे डील करेंगे, देखिए। तो क्या करेंगे, लेट वन नंबर बी एक्स। एक नंबर को हम क्या मान ले, एक्स मान ले। तो लेट वन नंबर बी एक्स, हमने अपने पहले नंबर को एक्स मान लिया, तो अदर नंबर क्या होगा? सो अदर नंबर बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो अदर नंबर बी। दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इन दो नंबर्स में डिफरेंस कितना है, 66 का। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने पहले नंबर को x मान लिया है तो दूसरे नंबर को क्या मान लेंगे, x प्लस 66, तभी तो इनके बीच में डिफरेंस 66 होगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये नंबर आपका x प्लस 6, इसको मैं समझा रहा हूँ रफ में, आपको करने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए एक नंबर आपका x प्लस 66 हो गया और एक नंबर आपका हो गया x। अब इनका डिफरेंस लीजिए, तो x से x कट गया, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 66। तो यानी ये जो हमने कंसीडर किया ये बिल्कुल सही किया है। तो आपको क्या करना है, लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी x प्लस 66। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस जो है वो 66 का है। कितने का है, 66। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ये तो हो गया, हमने मान लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ने जो बोला उसके अकॉर्डिंग मैंने दो नंबर को मान लिया। अब फिर आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5, यानी इन दो नंबर का रेशियो 2:5 है। तो यानी कि आप पहले इसको लिख लो और दूसरी वाली बात से लिख लो, x प्लस 66, तो इसका जो रेशियो है वो 2:5 है, 2:5। अब देखिए, अब आपने स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बना ली, भाई ये आपको खुद ही गिवन देगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, बस आपको उसको पकड़ना है, ठीक है। और जैसे ही आप उसको क्लिक कर लोगे कि क्या आपको गिवन है, तो फिर आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया था, एक्सरसाइज 8.4 में भी किया। क्या करना होगा, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × x, और यहां पे हो जाएगा 2x + 66, ठीक है। अब यहां हो जाएगा 5x, अब मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2x + 66 × 132। 2x आप इधर शिफ्ट कर दो तो यहां 3x आ जाएगा, 3x = 132। दिस इंप्लाइज दैट x = 44। तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, तो आपसे क्या कहा, व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स पूछा है, तो x की वैल्यू 44 आ गई। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि आपको 44 में क्या ऐड करना होगा, 110 आ जाएगा, 110। तो यहां पे आप लिख देंगे, सो नंबर्स आर 44 एंड
दूसरा नंबर क्या है आपका x प्लस 66, ये तो पहला नंबर आ गया, पहला नंबर क्या था x और x की वैल्यू क्या आ गई 44, और दूसरा नंबर क्या है x प्लस 66, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x मीन्स 44 प्लस 66 विच इज इक्वल टू 110, तो दूसरा नंबर आपका 110 आ गया और पहला नंबर आपका 44 आ गया, 44, ठीक है। ये इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो टफ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको सारी हिंट क्वेश्चन ही देगा, बस आपको उस हिंट को क्लिक करना है और उस हिंट को आपको एक्सट्रैक्ट करके आपको क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। किसी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 130 सेंटीमीटर है, और आपको क्या गिवन है, इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर मोर थ्राइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है, और क्या गिवन है, ये गिवन है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों होगी, तो जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ब्रेथ की थ्राइस से 5 मोर है, यानी कि ब्रेथ की थ्राइस का मतलब क्या हुआ, 3 गुना, यानी ब्रेथ जितनी होगी उसका 3 गुना प्लस 5, उसका 3 गुना प्लस 5, लैंग्वेज में ही वो सब कुछ देगा आपको, बस आपको उसी को पकड़ना है। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उसने लिख दिया है कि इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर मोर देन, यहाँ देन होगा एक्चुअली में, मोर देन थ्राइस इट्स ब्रेथ, थ्राइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, आपसे लेंथ और ब्रेथ पूछा है। तो देखिए लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे, क्योंकि पहले ब्रेथ निकालोगे तभी तो लेंथ निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या कंसीडर करो, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स, मैंने रेक्टेंगल के ब्रेथ को क्या ले लिया, एक्स ले लिया। सो लेंथ क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिस तरीके जो क्वेश्चन ने हमको बता रखा है उस हिसाब से लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन थ्राइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो पहले तो आप ब्रेथ का थ्राइस कर लो, थ्राइस का मतलब 3 गुना, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3x, और उसमें क्या ऐड कर लेंगे, 5 ऐड कर लेंगे, क्योंकि थ्राइस से 5 ज्यादा, 5 अधिक है। यहां पे देखिए लिखा हुआ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर मोर देन थ्राइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ का थ्राइस किया गया प्लस उसमें 5 ऐड कर दिया गया, तो ये लेंथ आ गई। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3x प्लस 5 और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमको क्वेश्चन में और क्या डेटा गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये गिवन है कि ये जो हमारी रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर हमको गिवन है, कितना गिवन है 130। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको 130 गिवन है, 130, तो यहाँ आप 130 लिख दो, और यहां पर आप 2 L, L कितना है आपका 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5, और B कितना है x, तो ये L हो गया और प्लस B हो गया ये, ठीक है। इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 130 इक्वल्स टू 2, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व करते हैं, 3x और x, 4x, 4x प्लस 5, ठीक है। अब या तो 2 आप मल्टीप्लाई करा दो अंदर, या 2 डायरेक्ट डिवाइड में ले आओ, जैसे आप कर पाओ, तो मैं डिवाइड में लेके आता हूँ, ठीक है। तो डिवाइड में लाएंगे तो 65 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x प्लस 5, आप मल्टीप्लाई भी करा सकते थे, वो तो आपके ऊपर है आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, आप चाहते तो मल्टीप्लाई भी करा देते फिर माइनस में लाते, आंसर तो सेम आता है, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब 5 को आप इधर शिफ्ट करोगे तो 60 आ जाएगा, तो 4x इक्वल्स टू 60, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे यूनिट जो आपने x लिया था इसके आगे सेंटीमीटर डाल दीजिए, जो आपने रेक्टेंगल किया जो ब्रेथ कंसीडर किया वो x सेंटीमीटर, और लेंथ क्या हो जाएगी उस हिसाब से 3x प्लस 5 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो ये जो x आ गई वो कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ आ गया। अब हमको लेंथ निकालना है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। सो लेंथ कितनी हो जाएगी, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिस इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल लिख दीजिएगा, ठीक है। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, 3x + 5, यही तो आपने कंसीडर किया है, 3x + 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 3x + 5 की वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x कितना आया 15, तो 15 रख दीजिए, 15 3 जा 45, 45 प्लस 5 50, ठीक है। तो ये आ गया आपका लेंथ, लेंथ कितनी आ गई रेक्टेंगल की 50 मीटर, और ब्रेथ कितना आ गया 15 मीटर, 15 मीटर ब्रेथ आ गई और लेंथ कितनी आ गई 50 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया इसी के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ यानी आज से 15 साल बाद रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज से, यानी कि जो अभी की एज है उस हिसाब से उसकी एज 4 times ज्यादा हो जाएगी। 15 साल बाद रवि की एज क्या हो जाएगी, 4 times हो जाएगी। अगर रवि आज 10 साल का है तो 10 साल वैसे तो मैं एक डेटा ले रहा हूँ, ठीक है, अगर रवि आज 5 साल का है तो 15 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, फिर 20 साल का, ठीक है। तो वही है, वॉट इज रवीज प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज आपको बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आप क्या करो, लेट रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स, लेट रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स, सबसे पहले आप रवि की प्रेजेंट एज को एक्स ले लो, एज इज एक्स, एक्स ईयर, हम ये मान लेते हैं कि रवि की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 5 साल 10 साल 12 साल कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या माना, हमें तो ये चीज कंफर्म है नहीं, तो इसलिए मैंने एक्स ईयर ले लिया। आगे देखते हैं क्या गिवन है हमको, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 15 साल बाद रवि की एज रवि के प्रेजेंट एज की 4 times हो जाएगी। यहां पे देखिए, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, यानी कि आज से, ये तो प्रेजेंट एज है, और आज से 15 साल बाद रवि की एज रवि के प्रेजेंट एज के कंपैरिजन में कितनी हो जाएगी, 4 times हो जाएगी, कितनी टाइम्स हो जाएगी, 4 times। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या हुआ, अभी तो रवि की प्रेजेंट एज एक्स है, और 15 साल बाद क्या हो जाएगा, 15 ईयर बढ़ जाएगी। भाई कोई अगर आज के टाइम में 4 साल का है तो 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 19 ईयर का हो जाएगा। तो वही किया है, अगर रवि अभी आज के डेट में एक्स ईयर का है तो 15 ईयर बाद रवि एक्स प्लस 15 ईयर का हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 times इनटू एक्स, जैसा उसने क्वेश्चन ने बोला कि 15 साल बाद क्या होने वाला है, रवि की एज रवि के प्रेजेंट एज की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, रवि एज विल बी 4 times इज प्रेजेंट एज। तो रवि की एज 15 साल बाद उसके प्रेजेंट एज की 4 गुनी हो जाएगी, फिर से समझिए, रवि की एज 15 साल बाद उसकी प्रेजेंट एज की 4 गुनी हो जाएगी, 4 times हो जाएगा, ये क्वेश्चन ने आपको बताया। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 15 इक्वल्स टू 4x, अब यहां से x उधर शिफ्ट कर लो, 15 इक्वल्स टू 3x, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 5 ईयर। तो रवि की प्रेजेंट एज आपको मिल जाएगी, रवि कितने साल का है, 5 ईयर्स का है, तो यहां पे हम नीचे लिख देंगे, सो रवि इज 5 ईयर ओल्ड, ईयर सो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 ईयर, सो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 ईयर, 5 ईयर। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है। सबसे ज्यादा यहां टफ क्या है,
देखिए इक्वेशन के इक्वेशन छोटी सी बनती है, उसको आप सॉल्व कर लोगे। इक्वेशन सॉल्व को तो आपने बड़ी बड़ी की है, सब तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन तक पहुंचना। इक्वेशन तो तब सॉल्व करोगे जब इक्वेशन तक पहुंचोगे, और इक्वेशन तक पहुंचने का केवल और केवल एक मीडियम है, आप क्वेश्चन की स्टडी बहुत अच्छे से करो। जो क्वेश्चन उसने बोल रखा है, जो भी क्वेश्चन उसने दिया है, आप उसको एक बार समझ में, अगर पहली बार आपने पढ़ा आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर पढ़ो, फिर नहीं समझ में आया तो एक बार और पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको इस इक्वेशन तक लेके जाने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन तक आपको केवल और केवल क्वेश्चन पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, वहीं से हिंट आपको मिलेगा, फिर आप अपनी इक्वेशन पे पहुंच जाओगे, और इक्वेशन पे पहुंचते ही आप इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है। पहले एक्सरसाइज में हमने सब सीख लिया है, बस अब आपको इक्वेशन तक पहुंचना सीखना है। इस एक्सरसाइज में मेनली आपको क्या सीखना है, इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखना है, इक्वेशन बनाना सीखना है, ठीक है। कैसे हम स्टेटमेंट जो हमें गिवन होगी उससे हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 3 होल 1/4 सेंटीमीटर। किसी आइसोसेलस ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन है, 3 होल 1/4 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड इज 2/3 सेंटीमीटर, वॉट विल बी द लेंथ ऑफ अदर टू इक्वल साइड, वॉट विल बी द लेंथ ऑफ अदर टू इक्वल साइड। ये क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो आप फिर से एक बार पढ़ो, नहीं तो मैं समझाऊंगा तब तो वहां से समझ ही लोगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बारे में तो आप पहले से भी जानते होंगे, ट्रायंगल तीन तरीके की होती है, एक स्केलीन होती है, एक आइसोसेलस होती है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ साइड अगर बात करें तो ये ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल कैसी है, आइसोसेलस है। आइसोसेलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड इक्वल होती है, और इक्विलेटरल में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केलीन में एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, सारी साइड अलग अलग होती है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल है तो इसकी दो साइड बराबर होगी, तो हम मानते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, हमने ये मान लिया, और इन्हीं दोनों की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसकी वैल्यू बताइए और इसकी वैल्यू बताइए, और एक साइड की आपको वैल्यू गिवन है 2/3। तो हमने ये मान लिया कि ये साइड की वैल्यू हमको गिवन है 2/3 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया, ठीक है। और हमको और क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, हमें अपने आइसोसेलस ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है 3 होल 1/4। अभी हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में है, हम प्रॉपर इन प्रॉपर जो भी फ्रैक्शन होगा उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हमको इन ये दोनों साइड इक्वल है और इन्हीं की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट ईच इक्वल साइड, लेट ईच इक्वल साइड, ईच इक्वल साइड ऑफ इक्विलेटरल आइसोसेलस ट्रायंगल, लेट ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल इज एक्स सेंटीमीटर। हमने ये मान लिया कि हर एक इक्वल साइड एक्स सेंटीमीटर है आइसोसेलस ट्रायंगल की, तो अगर ये एक साइड और ये साइड ये दोनों इक्वल इक्वल है, तो इसको भी आप एक्स ले लो और इसको भी आप एक्स ले लो, क्योंकि दोनों एक्स एक्स ली जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, अलग अलग होती तो एक को एक्स लेते एक को वाई लेना पड़ता, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो लेट ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल इज एक्स सेंटीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर गिवन है, आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। हम किसी भी फिगर का जब पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर का क्या मतलब हुआ, पेरीमीटर का मतलब हुआ सम ऑफ ऑल साइड, किसी भी फिगर में कितनी साइड्स हैं उनका सम। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं, तीन, एक ये और एक ये, तो क्या कर लो, x प्लस x और उनका सम जो होगा वो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का। तो ये आपने तीनों साइड का सम कर लिया, और ये किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन कितनी है, 3 होल 1/4। 3 होल 1/4 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 3 12 प्लस 1 13/4, यहाँ पे हम 13/4 लिख लेते हैं, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x और x 2x,
प्लस 2/3। अब क्या करो, 2/3 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो 13/4 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 2x। क्लियर। अब यहां से आप एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम होगा आपका 12, यहां 3 आ जाएगा तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई होगा 39, यहां पे 4 आ जाएगा और फिर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 इक्वल्स टू 2x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सो फाइनली यू विल गेट x इक्वल्स टू 31/24। देखिए कैसे, 39 माइनस 8 करोगे 31 मिल जाएगा, यहाँ 12 है, ये 2 डिवाइड में आएगा 24 हो जाएगा, तो 31/24 सेंटीमीटर आपके x की वैल्यू आ गई। मतलब हर एक साइड, यानी ये वाला साइड भी 31/24 होगा सॉरी, और ये वाला साइड भी 31/24 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 31/24 सेंटीमीटर। यानी हर एक साइड जो इक्वल साइड थी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 31/24। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 555 मीन्स 555। फाइंड द मल्टीपल्स, आपको मल्टीपल्स बताने हैं कि वो मल्टीपल्स क्या क्या होंगे जिनका सम, उन तीन मल्टीपल का सम करने पे 555 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो तीन चीजें आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब हुआ क्रमशः, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब हुआ क्रमशः हिंदी में बोलते हैं, और एक्चुअल में इसका मतलब ये हुआ कि वन बाई वन। जैसे अगर हम बोलें 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर बताइए, तो आप क्या बताएंगे, 1, 2, 3 अगर आपने स्टार्ट किया तो। ठीक है, या और क्या बता सकते हैं, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब 1 बाई 1, एक के बाद एक, 1 आफ्टर 1, 10, 11, 12। अगर मैंने बोला कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 2, 4, 6, मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये नहीं, अगर आप मान लीजिए 10 से स्टार्ट करो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट 10 के बाद 14 लिखा फिर 16, 12 क्यों हटा दिया। तो अगर आप 12 हटा दिए, इसका मतलब आपने कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं लिखे। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ही हुआ कि वन आफ्टर वन, एक के बाद एक आपको लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ये हो गई कॉन्सिक्यूटिव की मीनिंग। ठीक है, और यहां पे किसका मल्टीपल है, 5 का। सो फर्स्ट मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम पहला मल्टीपल ऐसे लेट करते हैं कि लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फाइव इज x, हमने 5 का फर्स्ट मल्टीपल क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, तो सेकेंड मल्टीपल ऑफ फाइव इज। अब देखिए फर्स्ट मल्टीपल सपोज करिए आपने 5 लेट किया, सपोज करिए, तो सेकेंड मल्टीपल आप क्या लोगे, x प्लस 5, यही तो लोगे, यानी कि 10, और 10 क्या है, x का मल्टीपल है, वो 5 का मल्टीपल है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम 2x भी ले सकते थे, लेकिन नहीं ले पाएंगे। देखिए वो x के लिए तो काम कर जाएगा, 5 रखोगे तो काम कर जाएगा, लेकिन नहीं करेगा बाकी चीजों के लिए। देखिए कहते हैं, देखिए ये लेना सबसे बेस्ट था। ठीक है, अभी हम थर्ड वाली x प्लस 10 लेंगे। अगर आप यहाँ पे 5 रखोगे तो 5, और यहाँ 10, यहाँ 15, तो देखिए 5 के मल्टीपल चल रहे हैं और कॉन्सिक्यूटिव चल रहे हैं। लेकिन इन केस अगर आप यहाँ पे अगर, और अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि x ले लें, दूसरा 2x ले लें, तीसरा 3x ले लें, तब भी हमारे पास वही आएगा। देखिए अगर x की वैल्यू हम क्या ले लें, 5 ले लें, तो 5 यहाँ 5 रखेंगे तो 10, यहाँ रखेंगे 15, तो यहाँ के लिए तो वैलिड है,
लेकिन अगर हम यहाँ सपोज करिए कि हम ऐसा मल्टीपल ले लें जैसे 15 ले लें, तो 15 आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 30, और यहाँ कितना जाएगा 45। तो यहाँ क्या है, यहाँ मल्टीपल तो है लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं है, लेकिन यहाँ 15 रख के देखिए तो 15 20 25। तो ये इस वाले पैटर्न में कंसेक्यूटिव चीजें चल रही हैं, लेकिन इस वाले में कुछ में कंसेक्यूटिव चल रही है, कुछ में कंसेक्यूटिव नहीं चल रही। तो हमको ऐसा पैटर्न बिल्कुल नहीं लेना, हम ये वाला पैटर्न लेके चलेंगे, ठीक है। लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज x, सेकंड मल्टीपल ऑफ 5 इज x प्लस 5, एंड थर्ड मल्टीपल क्या ले लेंगे आप, थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 इज x प्लस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला कि सम ऑफ ऑल दीज मल्टीपल या ऑल कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 5 5 5। तो सारे के सारे जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल हैं 5 के, लेट फर्स्ट, यहां सब जगह आप कंसेक्यूटिव लगा देना, ठीक है, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव, या यहां लगाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाले में तो बिल्कुल नहीं जरूरत है, सेकंड और थर्ड में लगाइएगा, लेट सेकंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल, फिर यहां पे भी आप कंसेक्यूटिव लिख दीजिएगा, लेट थर्ड, ठीक है, कंसेक्यूटिव। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो आपके कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 5 के, इनका जो सम है वो 5 5 5 के बराबर है। तो x x प्लस 5 और x प्लस 10, दिस विल बी इक्वल टू 5 5 5। यहां से ऐड कर लीजिए x x x 3x और 5 और 10 15 इक्वल टू 5 5 5 5 15, उधर शिफ्ट करिए तो 3x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 540। सो फाइनली यू विल गेट x इक्वल टू 180। तो आपको पहला मल्टीपल आपका मिल गया 5 का, 185 का मल्टीपल है, तो फर्स्ट मल्टीपल हो गया आपका 180, सेकंड मल्टीपल क्या आ जाएगा 180 प्लस 5 185, और थर्ड मल्टीपल हो जाएगा 180 प्लस 10 190। सो मल्टीपल्स आर, आप यहां पे लिख देंगे सो मल्टीपल्स आर 180 185 एंड 190। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। देखिए, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई 5/8 टू इट एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू विल गेट -7/48। व्हाट इज द रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है जिसमें जब आपने 5/8 से मल्टीप्लाई कराया, देन आपने क्या किया कि रेशनल नंबर और इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आपने 2/3 ऐड किया, तो यू विल गेट दिस। सो व्हाट इज द रेशनल नंबर, व्हाट इज द रेशनल नंबर, तो क्या कर करेंगे, देखिए लेट रेशनल नंबर बी एक्स बाई वाई। रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर बी p/q अगर आप लिखते हो तो p/q के फॉर्म में लिख लो, ठीक है, अगर xy नहीं लिखना चाहते हो, अगर लिखना चाहते हो तो आप xy ले लो। तो लेट रेशनल नंबर बी p/q, हमने रेशनल नंबर क्या मान लिया p/q, हमको इसी की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर हम अपने रेशनल नंबर में 5/8 को मल्टीप्लाई कर दें और जो इनका प्रोडक्ट आएगा यही इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, और इस प्रोडक्ट में क्या ऐड कर दें 2/3, ठीक है, क्वेश्चन ने आपसे यही बोला है, तो यू विल गेट -7/48, आपको माइनस का 7/48 मिलेगा। अगर आप अपने रेशनल नंबर में 5/8 से मल्टीप्लाई करो और जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब ये कंप्लीट चीज, उसमें 2/3 ऐड करोगे तो यू विल गेट -7/48, क्वेश्चन ने आपसे इतना बोला। अब आप सॉल्व कर लो, p/q की वैल्यू निकाल लो। तो देखिए सबसे पहले ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस में, तो p/q इंटू 5/8 इक्वल्स टू -7/48 -2/3। फोर्टी एट और थ्री का एलसीएम लेंगे, 48 आ जाएगा, माइनस 7 इधर रहेगा और इधर आपके पास 16 आ जाएगा, 16 2 32, और यहां पे p/q इंटू 5/8 इक्वल्स टू, अब यहां पे देखिए पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो -39/48 आ जाएगा, ठीक है, और इधर आपके पास p/q इंटू 5/8 चल ही रहा है। अब यहां से देखिए कैंसिल होगा, तो कैंसिल कर लीजिए, 13 3 से कैंसिल कर सकते हो, यहां 16 आ जाएगा, ठीक है, तो यहां हमारे पास कितना गया, -13/16,
तो पी बाई क्यू की वैल्यू क्या गई, मतलब आपके रेशनल नंबर की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये 8 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो -13 इंटू 8 डिवाइड बाई, ये 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, तो 16 इंटू 5, क्लियर। अब यहां से देख सकते हैं 8 टू जा 16, तो आपके रेशनल नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 13/10, ये आपका आंसर आ गया। सो द रेशनल नंबर इज -10 -13/10, आप लिख लेना। सो द रेशनल नंबर इज -13/10। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क होगा, आप खुद करेंगे, एज वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, एज टाइप का जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया था उसी से रिलेटेड है, तो एक बार आप खुद करना, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन जो होगा एक्सरसाइज 2.8.5 का, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में, मींस इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 6 में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।